बिश्ल रिमी असलम एवरी वन आई होप यू आर वेल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग यहाँ पे जी तो मैं क्यों गेट पे ठहरी हुई हूँ किस वजह से ठहरी हुई थी तो बताती हूँ तो मैं गेट पे ठहरी हुई हूँ अपनी कज़न का मैं वेट कर रही थी शी इज़ अ डेंटिस्ट तो वो आएंगी तो हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए क्योंकि मेरे दांतों में था शदीद दर्द अब आप लोगों में से काफ़ी लोग कहेंगे कि आप भी आप हर वक्त घूमती रहती हो तो ऐसा नहीं है ऐसा मत कहिएगा और यहाँ पर फाइनली कज़न मेरी आ गई और मेरे पे गुस्सा थी कि वीडियो क्यों बना रही हो हाँ पे जी मेरी कज़न से मेरा हो गया झगड़ा उसने कहा मेरी अब वीडियो अपलोड नहीं करना मैंने कहा अपुन तो अपने ही सुनेगा भाई अपन तो करेगा तो उसके बाद डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ पे हम लोग वो गई थी पर्ची लेने के लिए बिकॉज़ वि विदाउट पर्ची हम डॉक्टर को नहीं दिखा सकते तो मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे थे वो मुझे गए थे वीडियो बंद करो मैंने कहा नो नो उसके बाद जी हम लोग आए गए थे डॉक्टर के रूम में तो डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट को चेक कर रहे थे तो मेरे कज़न का तुम यहाँ पे बैठे हो हैं कहा ठीक है और यहाँ पे मैंने सोचा ज़रा शो शोकियाँ शो शोकियाँ मार ली जाए अपने आप को भी दिखा दिया जाए और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि अपना मुँह खोलो एक्सरे कर लेते हैं तो मेरे कज़न का चलो एक्सरे कराती हूँ इतना मुँह खुलाया कि मुझे डर था कहीं मक्की ना घुस जाए लगा कि इन्फेक्शन था और यहाँ पे जो है ना डॉक्टर के दिखाने के आई मैं ना मैंने ना दो डॉक्टरों को दिखाया मुझे तसली नहीं हो रही थी दांत के मामले में तो उसके बाद फिर मेरे कहा का चलो मैं आप लोगों को चाय पिलाती हूँ मैंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है बहन एकदम से मैं जी माल मुल्तान पहुंच गई क्योंकि मेरे हस्बैंड के थे एग्जाम मैंने उन्हें कहा कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप मुझे ले चलेंगे घुमाने के लिए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आपको ना मैं शूज़ बाई करके दे दो तो, क्योंकि मेरी विंटर्स की शूज़ सारी ख़राब हो चुकी थी इतना कोई मैंने संभाला ना इतना संभाला कि जब निकाला तो पता लगा कि शूज़ ही एक्सपायरी हो गई हैं भैया तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा तो मैं एथनिक पे आ गई थी मैंने यहाँ से लेना था एक ड्रेस और जो मुझे ड्रेस मैंने लिया है वो आजकल प्रिंटेड चल रहा है काफ़ी उसका फ़ैशन और यहाँ पे वेडिंग वाले देख रही थी लेकिन खैर इतना कौन ले अब शादियाँ तो है नहीं तो इस वजह से मैंने इसे इग्नोर मार दिया मम्मा जो है ना वो अपने कपड़े देख रही थी आप लोग कहेंगे हैं अचानक से तुम्हारी मम्मा कहाँ से आ गई तो मम्मा पहले से मुल्तान में थी तो मेरे हस्बैंड साहबा ने हस्बैंड साहब सॉरी वो मुझे मेरे वो मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ के चले गए ये देखो जी मेरे जैसा सूट अगर कोई बाय करना चाहता है जाओ आउटलेट पे अभी भी ठहरा है एट थाउजेंड इसकी प्राइस है और मुझ पे कैसा लग रहा था मुझे ज़रूर बताएगा और मेरे हस्बैंड मुझे क्यों छोड़ के गए हैं क्योंकि मुझे शूज़ पसंद नहीं आ रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि ज़बरदस्ती तुम यहीं से शूज़ ले लो मैंने उन्हें कहा आप जाएँ मैं मैं खुद ही मम्मा के साथ आ जाऊँगी उन्होंने कहा ठीक है एज़ यू विश और यहाँ पर हम अप टू पे आए हैं रिव्यू करने के लिए मैंने सोचा इतना बड़ा कोई मेरे साथ धोखा हुआ है ना आगे आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर मैंने एक बार पहले ट्राई किया था कि ये रिव्यू के काबिल है भी कि नहीं तो टेस्ट बताती हूँ कैसे है सेवन अप लेना तो हम और इन लोगों ने हमें फोर कोक्स थी इन लोगों ने हमें एक ही कोक देनी ठीक है लेटर वाली बस उसे जी मतलब तो पीछा छुड़वा दिया उनसे और यहाँ पे मेरा भाई भी अपनी मौके मार रहा है और ये है मुझसे छोटा लेकिन लगता मुझसे बहुत बड़ा है ऊपर से मेरे भाई ने जिंगर मंगा लिया मैंने उसको हैरान होकर देखा कि तुम्हें पता भी था दांत में दर्द दर्द यहाँ पे जी अब हम लोग बाइट लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी क्वान्टिटी बहुत कम थी ठीक है बट टेस्ट वॉज़ गुड और यहाँ पे मैं मेरे 1990 आई थिंक डील थी और लार्ज फ्राइज़ और फोर ज़िंगर थे बट ज़िंगर बहुत स्मॉल थे और फ्राइज़ भी स्मॉल थे लेकिन इन लोगों ने लिखे लार्ज हुए थे ठीक है अगर आप लोग खाना चाहते हैं इट्स योर चॉइस क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है क्वांटिटी कम है फिर कहूँगी आप लोग बताइएगा नेक्स्ट मैं किसका रिव्यू करूँ और मैं वहाँ जाके उसका टेस्ट करके आप लोगों को बताऊँगी कैसा टेस्ट है और यहाँ पे मुझे एक चीज़ इनकी बुरी लगी पिछली बार इन लोगों ने हमें स्पाइसी फ्राइज़ दिए थे इस बार इन लोगों ने सिर्फ ब्लैक में प्रोपर डाल के ये फ्राइज़ दे दिए थे तो ये चीज़ भी इनकी है और शायद ज़्यादा चलने लग जाए ना जब कोई चीज़ तब उसकी क्वानटिटी बहुत कम हो जाती है और यहाँ से हम लोग जाएँगे मैन लाइफ में ममो को का ज़बरदस्ती मेरे साथ चलो तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मम्मा पीछे आ रही थी मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई क्लाइव पे मेरे भाई कहने लगे आप तो आ, ले लो जल्दी से फिर हम लोग उन्हें मम्मा को लाइव पे पसंद नहीं है तो हम लोग जाएंगे स्टैलो पे और उन इन सिग्निया पर मैंने मुझे शूज़ पसंद आई थी मैंने इन सिग्निया से बाई की थी और यहीं पे मैं अब व्लॉग का एंड करूँगी अपना ख्याल रखिएगा